ज़्यादा डेंजरस रोड आज तक मैंने नहीं देखा है। ये रास्ता देख के मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे ज़्यादा ये था मेरा बेड भाई। और हॉस्टल का कंडीशन कुछ ऐसा है कि क्या बताऊँ, हालत देखो यार, ये देखो क्या हालत, ये चीज है और ये देखो ये देखो। रात भर जो है नींद हुआ नहीं है, सुबह का 5 बज चुका है, 2 घंटे के आसपास बड़ी मुश्किल से नींद हुआ है। ऊपर से जो है खटमल भरा पड़ा है, इसमें बहुत ही दिक्कत होता है भाई, मतलब अभी भी बॉडी में खुल जा रहा है। तो अभी जाऊंगा, नहाऊंगा, फ्रेश होके यहाँ से निकलूंगा। कल जो है बैग को किसी ने गटर में फेंक दिया था, ऐसा कुछ हाल है मेरा बैग का। सस्ते में ट्रैवल करने का नतीजा है ये, बस 200-300 रुपये सेव करने का चक्कर में क्या हाल होता है भाई, ये देखो ट्रैवल करते हुए। सो नेपाल जो है साउथ एशियन कंट्री है और ये नेपाल का कास्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और कास्की डिस्ट्रिक्ट का ये हेडक्वार्टर है। पोखरा का जो बस स्टैंड है जहाँ से मुझे बस मिलने वाला है, यहाँ से कुछ 3 किलोमीटर के आसपास। सो हाँ जी, गुड मॉर्निंग, और एक नई सुबह और एक नया दिन, आज का दिन होगा सबसे बेहतरीन लाइफ नेवर बिफोर। पोखरा आने का जो मेन रीज़न था और जो जिसकी रीज़न की वजह से जो है पोखरा लोग आते हैं वो है अन्नपूर्णा सर्किट। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, मॉर्निंग। अच्छा, आप लोगों को पता है मुक्तिनाथ जाने के लिए बस कहाँ मिलता है? मुक्तिनाथ उधर से परसेंग तेरा जाना पड़ता है। बोलो, फ्री होके बोलो, आराम से रिलैक्स होके बोलो। सीधा जाता है, सीधा जा, कितना दूर? और लोग इसे पूछते जाइए। ठीक, चलो, थैंक यू। तो बच्चा है जैसे कैमरा देखा घबरा गया। कल जो है बहुत बड़ा गलती कर दिया, काठमांडू से जब आ रहा था तो मुझे सुबह निकलना चाहिए था। जब यहाँ पे पहुँचता हूँ तो कुछ मिलता नहीं है, जो मिलता है उसका हालत बहुत कंडीशन ख़राब होता है। तो अरे यार पे पकड़ते नहीं है क्या बुलेट वालों को? साइलेंसर खोल के चला रहे हैं, ऐसे साउंड हो रहा है। नेपाल के अंदर हिल स्टेशन पर अगर आपको ट्रैवल करना है तो आपको जो है सुबह निकलना पड़ेगा, अगर बसेस से कुछ पकड़ना है तो, मेरी तरह अगर बजट ट्रैवलर हो तो, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत होता है बाद में। इंडियन लोगों के लिए जो है मई जून का महीने में जो बहुत ज़्यादा गर्मी होता है इंडिया में, सो घूमने के लिए नेपाल बड़ा सही जगह है। अभी मई 2023 है, यहाँ का टेम्परेचर कुछ 12 डिग्री के आसपास है, रात को 10 डिग्री तक भी चला जाता है। लोग यहाँ पे सुबह जो है जैकेट पहन के जॉगिंग कर रहे हैं भाई, सोच सकते हो यहाँ का टेम्परेचर कैसे होगा। जब पोखरा में एंट्री किया ना तो उस टाइम पे देख रहा था गाड़ी के पीछे जो है एडिडास ये सब लिखा हुआ। मैं सोचा भाई ये क्या है, मतलब गाड़ी क्या है यहाँ पे एडिडास गाड़ी बना रहा है, फिर देखा नहीं, ये लोग जो है खुद अपने मॉडिफाई करते हैं और गाड़ी के अंदर जो है हर तरफ सिर्फ एडिडास लिखा होता है। मुझे कुछ देर के लिए तो लगा था कि एडिडास शायद गाड़ी भी बनाता है यहाँ पे नेपाल में। रोड ऊपर से इतना ख़राब है कि ख़राब को ख़राब बोला जाए तो ख़राब भी बुरा मान जाए, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे पोखरा के टाउन के अंदर तो अभी रोड अच्छा है पर आगे जाने के बाद रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाला है। हो भाई, जॉनसन जाएगा ना? हाँ, जाएगा। अच्छा, कितने बजे पहुँचेगा? 2-3 बजे। कहाँ से हो भाई आप? भाई पोखरा से। एक पोखरा से हो? हाँ। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? वही जॉनसन जा रहे हो? हाँ। लग रहा है किसी गुफा के अंदर से होते हुए जा रहा हूँ। स्टेट का नाम क्या है? ये गंडकी प्रदेश। गंडकी प्रदेश। अच्छा, यहाँ पे ज्यादातर स्टेट का नाम सब प्रदेश होता है क्या? प्रदेश। बहुत मुश्किल होता है। हाँ। मैं भी वही सोच रहा हूँ, जा तो रहा हूँ अंदर की तरफ, प्लान ये है कि
एक हफ्ते तक उधर रुकने वाला हूँ, 5-10 दिन एक्सप्लोर करके वापस आऊँगा। पर अभी ये रोड देख के मुझे कहीं डर लग रहा है, अगर बारिश आ जाए यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होगा। ये देखो कैसा जाम लगा पड़ा है। सो वर्ल्ड का हाईएस्ट विष्णु टेम्पल जो है वो यहीं पे है, मुक्तिनाथ, जहाँ से ये लोग आ रहे हैं। सभी इंडियन लोग देख लो, गाड़ी सारे जो है सारे इंडियन। वही सोच रहा था मैं, रास्ता इतना खराब है, आप जितना नया गाड़ी लाओ यहाँ पे 1-2 साल में ख़त्म हो जाएगा गाड़ी। ऐसे बड़े बड़े देशों में छोटा छोटा ट्रैफिक जाम होता रहता है। अभी तक का सबसे डेंजरियस टर्न। अच्छा भैया कौन सा जगह है ये, कौन सा गांव? ये तीतर। तीतर? हाँ। तीतर गांव। यहाँ पे रुके हैं खाना खाने के लिए। हाँ हाँ बड़ा सुंदर गांव है भाई, ये देखो भालू जैसा बहुत बड़ा है। का छत भी पत्थर से बना हुआ है और ये चीज मैं पहली बार देख रहा हूँ। 330 वेज मिल का और चिकन चिकन को 430 नेपाली नेपाली रुपीस नेपाली रुपीस हाँ मैं वही 340 नेपाली। अच्छा ये आपका घर है, ठीक है, एक वेज मिल दीजिए खाने के लिए। हाँ ये है भाई आज का लंच, क्या क्या आइटम है ये मुझे बता, अंदाजा है नहीं। जैसे निकला सबसे डेंजरियस रोड पे सबसे खूबसूरत वाटरफॉल। आगे बहुत बड़ा एक जाम लग गया है, अभी यहाँ पे 15 मिनट से हम लोग यहाँ पे खड़े होके जो है सभी अपना अपना फोटो खींच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। आसपास का नज़ारा देख रहा हो बड़ा शानदार है, लेकिन क्या करें भाई रोड बहुत ही डेंजरस है। डेंजर है, डेंजर है। ये देखो दादी माँ चलते हुए जा रहे ऊपर से। और यहाँ का नेपाल का ये जो हिल्स है ना, इतना स्टीफ हिल इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था भाई, बहुत ही ज़्यादा स्टीफ है ये देखो, 90 डिग्री जैसा हिल है। इसको देख के आपको पता चला अगर वहाँ से छोटा सा भी एक पत्थर गिरा ना आके यहाँ पे गिरेगा। ये देखो भाई कितना डेंजरस है इस रोड पे ट्रैवल करना। ये देखे देखो एज से चला के आ रहा है ट्रक वाला, बहुत रिस्की है भाई। और लिफ्ट लेने का सोचता हूँ तो ये देख के और ज़्यादा डर लग जाता है। ये देखो दारू वारू पी के अगर कोई गाड़ी चला रहा होगा कहानी ख़त्म है समझो, लिफ्ट लेके आ रहे हो और सीधा 200 फीट नीचे। ये रास्ता से पोखरा है आपका, माफा मस्तंग में, मस्तंग माफा। अच्छा आप इधर से जाते थे स्कूल में पढ़ने के लिए? इस रास्ते से हम पोखरा पढ़ते थे। अच्छा इस टाइम में ये रास्ता नहीं था उस टाइम पे, मतलब कौन सा साल था? 20 साल आगे, 20 साल पुराना। कभी छोटे थे पकड़ लीजिए, 2000 की बात है। 2000 की बात है तो 2000 साल में यहाँ पे रोड ये वाला रोड था नहीं, ये रोड स्टार्ट होता है। नीचे से जो रास्ता दिखाई दे रहा है ये गांव है, वहाँ से जाते थे पढ़ने के लिए, पोखरा जाते थे। मतलब चल के साधन के लिए घोड़ा हॉर्स, घोड़ा होता था, खच्चर होता था, राशन के लिए गधा और घोड़ा यूज होता था।
गधा गधा नहीं डंकी 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 हाँ गधा बोलते हैं उसको गधा बोलता है नेपाल में खच्चर बोलता है खच्चर बोलते हैं दुआनी के लिए खच्चर होता है ट्रेकिंग रूट है ना ते सुगा बैरा खोस बोलता है ना नेपाल मतलब सबसे गड्ढा जगह है गड्ढा जगह है ओ ये गॉर्ज है ये बेस्ट गॉर्ज इन द वर्ल्ड ओ ये अच्छा इसीलिए वहाँ पे रोड बनाना तो बहुत मुश्किल है जहाँ पे पानी गिर रहा है वहाँ पे तो बनाते रहोगे गिरता रहेगा अभी ये सरकार का प्लान है कि दिल्ली ब्रिज रखे हाँ ब्रिज रख देगा स्टोरीज ना ऐसे सारे किस्से सारे जो है ऐसे लोकल भाई लोगों से मिलोगे तो ही ये लोग बता पाएंगे हम लोग तो बाहर से आते हम लोग को पता नहीं चलेगा ऐसे गाँव में जाके रुकना है तो बहुत सारे स्टोरीज जो है पता चलेगा लगभग एक घंटा वेट करने के बाद सवारी फिर से निकल चुका है रास्ता देख के मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे ज़्यादा देर रुक पाऊँगा क्योंकि अगर बारिश शुरू हो गया वैसे ही बारिश थोड़ी बहुत हो रहा है बहुत ज़ोर से जब बारिश शुरू हो जाएगा ना इस एरिया से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा ये देखो भाई क्या करोगे भाई दब गया क्या नहीं इससे ज्यादा डेंजरस रोड आज तक मैंने नहीं देखा है डिस्ट्रिक्ट के अंदर फिलहाल एंट्री कर रहे हैं बारिश देखो भाई बारिश कितना तेज बारिश हो रहा है यहाँ पर ये हिमालय दिखाई दे रहा है अंदर बैठे हैं पता नहीं चल रहा है बाहर बहुत बहुत ठंडा है बहुत ही खतरनाक बड़ा भयंकर सा यहाँ पे तूफान आने वाला है ऐसे ठंडा है और ऐसे हवा हो रहा है यहाँ पर ओह माय गॉड यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है ये गांव का नाम स्यांग तो गांव का नाम है स्यांग और ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे ओह कुछ 7-8 डिग्री के आसपास होगा भाई बहुत ज़्यादा ठंडा है अभी तो चल के ऊपर चलूँगा इस तरह का पहाड़ मैंने इससे पहले देखा नहीं था भाई हर तरफ जो है मिट्टी वाला पहाड़ है पता नहीं बारिश आते ही शायद धुल जाता है और ये जो पानी देख रहे हो पूरा काला पानी है और ये हिमालय रीजन एक साथ सब कुछ हो रहा है यहाँ पे बारिश हो रहा है हवा हो रहा है धूप हो रहा है ठंड हो रहा है सब कुछ है भाई एक साथ रहने के लिए जो है पहले जगह ढूंढना पड़ेगा फिर जो है बाद में सोचूंगा कहाँ जाऊँगा कहाँ नहीं जाऊँगा दोस्तों मिलता हूँ बहुत जल्दी और एक वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय जगन्नाथ।